बेटा उनको बिना पासपोर्ट में दुबई भेज चलो बेटा ठीक है, इतना ही बोलेगा। सुना भी आप लोगों ने? हाँ हाँ बेटा सुना सुना पूरे पागल बंडल को। वाकई रात भर जैसे का तैसा कहना है क्या कि जिनके चेहरे पर नूर होता है, जिनके चेहरे पर नूर होता है उसे खुद पर गुरूर होता है। देवनाह डूबती नहीं कश्ती, देवनाह डूबती नहीं कश्ती। और दादाजी कुछ ना कुछ इशारा जरूर होता है। चपड़ू भरे जहाँ ये चपड़ करे रही है। कहते हैं कि पाप को धर्म मार देता है और शर्म को बेशर्म मार देता है। वो आदमी खुद में खुद नहीं मरता, उसे उसका कर्म मार देता है। ऐसे देखो पूरा मंडल खलमंडल मचा पड़ा है। देखो देखो किस तरह से हंसा मुस्की आ रहे हैं, कितनी बेशर्मी की हंसी हंस रहा है। देखो इनको क्या होता है। अरे नहीं दादाजी का मंडल है। दादा को नहीं कह रहे हैं कि नीचे वालों को कह रहे हैं। अच्छा 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 दादा तो दादागिरी दिखा रहे हैं बेटा। अरे दादा है फिर बाराबंकी के दादा है। होंगे दादा हमारे लिए छोड़ो। लेकिन दादाजी आप बाराबंकी के दादा है, रायबरेली के दादा नहीं है। बेटा मेरे को नहीं डरते हैं। रायबरेली से निशा चंचल आई है तो कुछ ना कुछ लेकर आई है बाराबंकी के लिए। ऐसे हम लोग नहीं चलते हैं, समझ लेना। आज के बाद दोबारा कार्यक्रम नहीं करोगे। आइए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा कुछ नहीं को कहीं नहीं नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं बेटा, पब्लिक समझदार है। अब बीती हुई याद को जगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आइए आपका टुकड़ा आया है। हाँ सुनो बेटा, चलो बेटा सुनाओ कथा को सुनाओ। भोजपुरी वालों ने गाया है क्या बेटा? और कुछ गाने ऐसे होते हैं दादाजी ने चॉइस तो कर लिया है, लेकिन अगर गाया है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। और क्या ऐसा गीत गा दिया कि सब कोई गा ही नहीं सकता इसको। उनका तोप है कहना पड़ा क्या बोले भोजपुरी वालों ने क्या किसी से यार कामल बन गए Let's go.
खटिया के चूर गड़ाता बहुत बड़ी ऐसे होती है होता को तहरा देना अब मैं सहारी उसे यहाँ ढोकन बैठ कर पालन जोर हो जाला ये आपकी बात आई अरे दादाजी ऐसी कहानियां बहुत सी मिलती हैं आइए अपने गीत के माध्यम से कहना है क्या भोले भाले भोले क्या तब सीता माता कहने क्या लगी सती माता कहने क्या लगी राम को कहने लगे कि भोले माँ है लेकिन वो माता सीता का रूप धारण जब वो करके आई तो वो पत्नी के रूप में आ रही है तो कहना क्या पड़ा क्या कि मैया गोइया बन के आई कैला बनवावे दिलवा में ठेस बहुत अच्छे बहुत अच्छे कहने लगी है माता आप मेरी परीक्षा ले रही हैं तो मैया ऐसे गाने तुम लोग हवा में उड़ा देते हैं दादा और क्या गाने वैसे गाओ और क्या वो समझ में आ गया ये सब गाने हमारे ऊपर ऊपर चले जाएंगे आइए आपकी ओर से दादाजी की ओर से गीत आया है आइए प्रयास कर रहे हैं बन जाए दादाजी से और क्या बोले अगर बन जाए तो दादाजी से आशीर्वाद की कामना है और क्या इसमें सब दादा ही लोग हैं पूरे मंडल में और कहना पड़ा क्या बोले किसी सब Oh, my God.
दावत छे कुछ नहीं मिला पद से निकल के शिव सर ये भी एक तो फेंक दिया इन्होंने अपना चलो खैर ये आपका गाना है आइए दादाजी प्रयास करें बेटे पावन का जल है पावन मन भावन मन माँ गंगा का जल इतना पावन है इसमें सुर नर मुनि आज सभी देवगण अपने अपने पूर्वजों का तरण धारण किया और आज भी माँ गंगा धारा पे बह रही है लोग आज भी स्नान करके पाप को काट रहे हैं कहना क्या पड़ा हरा भर बहती है तो कहना क्या पड़ा उस सर से उतर कर
अपने आप को सती कर दी थी उस यज्ञ में, तो उसी समय हुआ क्या, जब तक सती ने चारा उस सुनसु ने यज्ञ को चारा, जैसे ये खबर सूचना पहुंची बाबा भोलेनाथ के पास, तो लट को चारा उस लट को फिल्मी दुनिया वाले ने गाया प्यारा, लिखो बेटा तुम भी लिखो कि मीठा मीठा दर्द है, कितना सागर बढ़ जाता है।
पल जाता है, उस समझ कुछ नहीं आता है, समझ नहीं कुछ आता है, गलत काम हो जाता है, सुनने से बात जब जब है भगवान कहने लगे कि क्षमा मांगो भगवान से और वहीं पे
पधारी है। हाँ। तो कहना क्या पड़ा? क्या बेटे? और नहीं सुनो इधर भ्रष्टाचार का चोर चोर साहूकारी किसी किसी को धन व्यापार का और कहना क्या पड़ा लोग कुछ ऐसे जकड़े जिस वक्त में जाते पकड़े और जब पकड़े जाते तो होता है क्या क्या
छबड़े असुर अपहरण करेगा। तो सती तुम कहने क्या लगी? स्वयं को सजा दी।
क्या बात बेटे, क्या बात है? और कहने क्या लगी? क्या बेटे? कि हाय छल छल ओ हाय छल छल हाय छल छल ओ हाय छल छल ओ तुझे समझ प्रीत लगाई आइए अब आपके समक्ष आ रहे हैं आदरणीय दादाजी अपने सभी सक्षम साथियों के साथ आप लोगों का कार्यक्रम सुने पुनः फिर आपकी सेवा में कहानी सुनो तो बैठे हम आपको सुनाएंगे।